Hi everyone, myself Narayan from Saraswati Vidyalaya Academy Wapi. So dear student, जैसे कि हमारा चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री चला रहा है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 7 में, जहां पर हम इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो पार्ट 6 में हमने प्रिपरेशन में दो पार्ट, जैसे हमने टेबल प्रॉपर्टीज आपको दिखाया था, जहां पर हमारे पास कंडेंसेशन और डिस्पर्शन दो मेथड है। कंडेंसेशन में दो है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में दो हमने पढ़ाया आपको, सॉलवेंट एक्सचेंज एंड एक्सेसिव कूलिंग। एंड देन आफ्टर केमिकल कंडेंसेशन में बात करें तो केमिकल कंडेंसेशन में हमने चार पढ़े, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डीकंपोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन से हम किसका? सल्फर। रिडक्शन से ऑरिनियम गोल्ड का। डबल डीकंपोजिशन से आर्सेनिक सल्फाइड और हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड हमने बनाया। एंड देन आफ्टर हमने, अब जो फिजिकल में है वो हमने बता दिया, अब केमिकल कंडेंसेशन है पढ़ाई पूरी हो गया। अब बात करेंगे हम डिस्पर्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड में सेकेंड पार्ट है बाय डिस्पर्शन मेथड। तो बाय डिस्पर्शन मेथड की बात करें आपको, तो क्या पॉइंट्स होता है डिस्पर्शन मेथड में हम देखेंगे। तो बाय डिस्पर्शन मेथड बोलते कि इन दिस मेथड, In this method, a large size particles get converted in a small size particle. मेन मोटो जो पॉइंट्स है डिस्पर्शन मेथड का, इसमें हम लार्ज साइज के पार्टिकल को स्मॉल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। वो स्मॉल साइज वर्ड जो है ना, दैट इज लाइज फॉर द 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, क्योंकि कोलाइडर रेंज पार्टिकल की वही है। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड कितने हैं देखिए, तो डेंसिटी में हम जाएंगे तो आपको सारी चीज बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल में दो को दिया है, हाईलाइट किया है, तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन मेथड में पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब मैकेनिकल डिस्पर्शन इंसाइडिंग है नहीं, तो एक्स्ट्रा सिलेबस का आप इसको पढ़ेंगे नीचे की वजह से। मैकेनिकल डिस्पर्शन क्या होता है? इन दिस मेथड A large size particles cross in collider mill that having two wheel rotate opposite in direction with 7000 rpm run per meters, 7000 rpm के साथ rotate करते हैं। And then after 7000 rpm के साथ rotate करते हैं, और जो opposite direction दो wheel होता है, मेल होती कोलाइडर मेल है, कोलाइडर मेल को समझ सकते हैं कि इससे अंदर से जो क्रश करके प्रोडक्ट फॉर्म में निकलेगा वो निकलेगा 1 नैनोमीटर 1000 किसी भी डिस्पर्शन मीडियम में डिजॉल्व करके क्रश बना लेते हैं। दैट्स ऑल। एंड सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड की बात करें तो बाय दिस मेथड कोलाइड्स ऑफ नोबल मेटल लाइक प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड समटाइम्स कॉपर
please prepare. हम क्या करते हैं इस मेथड से प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड कॉपर ट्रिपोलाइट्स प्रिपेयर करते हैं राइट इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मतलब है मेथड या इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेडी आर्क्स तो ब्रेडी आर्क मेथड भी इसको बोलते हैं ब्रेडी आर्क्स तो ब्रेडिंग आर्क्स मेथड या ऐसे होते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं तुम्हें समझा रहा हूं एक आइस बाथ लेते हैं आइस बाथ से शुरू समझ जाओ आइस प्लेस पर जिसका टेम्परेचर लो करने के लिए ट्राई करते हैं इसके अंदर एक और बेसन लेते हैं जो कंडक्टर होता है आप आइस बाथ में स्टोरेज करने से हम आइस के पीस प्लेस कर देते हैं आइस बात हो गई अब इसमें हमने मेंशन कर दिया क्या ये 20% मीडियम हो गया और अब हमें कोलाइड्स बनाना है सपोज दैट मेटल में इसको ले लेंगे AU AC PT RC ओके इससे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं जब दोनों को इस पर स्ट्रक कराते हैं ध्यान देना सुनो दो इलेक्ट्रोड को स्ट्रक कराते हैं तो ड्यू टू द हाई वोल्टेज इनमें क्या होता है आरटी होती है इवेपोरेट होते हैं हाई टेंपरेचर जनरेट होता है इवेपोरेट होकर जैसे ऊपर जाते हैं इस ऐसे इफेक्ट से और तुरंत उसका कंडेंसेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल निकल कर इसमें आके क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं डिस्पर्स मीडियम में और हमें कोलाइड आर्क और एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर आर्क प्लेटिनम ले लेता है सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स है हमारा अबाउट द ब्रेडी आर्क तो डिस्पर्शन मेथड में तीन पढ़ते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन एंड थर्ड नंबर की बात करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइजेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है जहां पर हम फ्रेश प्रिपेयर प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू देम तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड करते हैं पॉइंट से है तो क्या होता है इसमें देखते हैं पेप्टाइजेशन का मीनिंग क्या होता है द प्रोसेस of conversion the process of conversion of fresh repair precipitate into polymers The process of conversion of fresh prepared precipitate into colloids by addition of electrolytes into them is called क्या बोल देते हैं पेप्टाइजेशन तो पेप्टाइजेशन का मीनिंग क्या होगा आपको द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रिपेयर्ड
precipitate into clouds by emission of electrolytes into them is called peptidization. अब peptidization का meaning यहाँ पर आप होंगे. The electrolytes that convert precipitate into clouds is called peptidizing agent. जो प्रेसिपिटेट को कोलाइड में बदलता है उससे एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ऐसा कौन सा कोलाइड है जिसमें इस प्रोसेस को ट्राइज करते हैं. तो मैं आपको बता दूं फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको कोलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम फेरिक क्लोराइड के एक्वो सॉल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट ट्राइज करते हैं. एज एन एग्जाम्पल precipitate of ferric hydroxide is converted into clouds by addition of FeCl3 solution. So here, FeCl3 is a peptidizing agent. So FeCl3 क्या है? Peptidizing agent. Clear? So अब यहाँ पर points बना हो गया. Peptidization का meaning क्या है आपको? सारे points हमने आपको clear कर दिए. Precipitate of FeOH का peptides is converted into collide by addition of FeCl3 solution. So here FeCl3 is peptidizing agent. So preparation of collide now is completed student. Once again remind kar do hum abhi is part mein dispersion phase dispersion method se collide prepare karne ki method ko discussion chalana hai. Isme teen method aate hain mechanical dispersion, electrical dispersion, and peptidization. मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या होता है? यहाँ पर हम लार्ज साइज के पार्टिकल को कोलाइडर मेल होती है इसमें क्रश करते हैं जिससे निकलने वाले पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 होती है. किसी भी मीडियम में हम डिजॉल्व करके कोलाइडर्स मिलाते हैं. कोलाइडर मेल होती क्या है? ये एक मेल होती है जिसके अंदर दो व्हील होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और उनका आरपीएम होता है 7000 रन पर मिनट. एंड देन आपका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन प्लेटमर सिल्वर गोल्ड है और पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां प्रेसिपिटेट को कोलाइड में बदलते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू देम. सो ये हो गया आपका पॉइंट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज और प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन बात करें तो इसमें जो गोल्ड में है पार्ट वो हो चुका है बट आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं मैं. तो हमारा पार्ट आता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो क्या क्या है? बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करें आपको तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज है जहां पर बात करेंगे इसके वो है हेटरोजेनियस फेज. सो इसमें जो कोलाइड्स होता है एक हेटरोजेनियस फेज होता है राइट एक हेटरोजेनियस फेज होता है. एंड देन क्योंकि यहां पर डिस्पर्स फेज डिस्पर्स से मीडियम मिलते तो जरूर है बट थ्रू आउट द मिक्स इनका होमोजेनियस फेज नहीं होता. क्लियर? एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे सेकेंड बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें हम यहाँ पर, तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसमें पॉइंट बताएंगे, द कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्लैट्स इज डायरेक्टली proportional to the indirectly proportional to the concentration of solution or number of particles. सो क्वालिटी प्रॉपर्टीज जो कोलाइड्स के शुरू हैं वो कॉन्सेंट्रेशन या पार्टिकल के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एज ए लाइक, मैं आपको क्लियर कर दूं, एज ए लाइक टू सॉल्यूशन, जैसा हमने चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है क्वालिटी प्रॉपर्टीज, एज ए लाइक सॉल्यूशन ना कोलाइड्स ऑल्सो सोस क्वालिटी प्रॉपर्टीज लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, osmotic pressure, lowering of vapor pressure. But collider system की molar mass बहुत ज्यादा है, due to the high molecular mass have the low fraction, mole fraction. इस reason से इसमें कोई भी properties perfect dominant नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ osmotic pressure method को utilize करते हैं for determination of molar mass of collider. So इस तरह करते हैं, as a life to solution. Collides, so collidity properties like elevation in boiling point, depression in freezing point, lowering of vapor pressure and osmotic pressure. तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ यहाँ पर वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सारे मेथड देखा जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट और ये क्वालिटी प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन की तरफ कोलाइड्स कर सकती है. बट इसमें इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो वर्ड बोलते क्या है, द मॉलिक्यूलर मास mass of collides are very high. Therefore, mole fraction is very low. So no well observed colgative, no well observed either dominate colgative properties like तो हाई मोलर मास की वजह से इनमें वो सारी प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की तरह चारों डोमिनेट नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं. तो स्टूडेंट अगर नहीं दिखती हैं तो फिर मतलब ऑब्जर्व तो की गई बट एक्सटेंट बहुत कम. ऐसे केस में बोलते क्या है, वाले
ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड वॉल यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ कोलाइड्स, मोलर मास ऑफ कोलाइड्स. सो दैट्स क्लियर है आपको. ये पॉइंट्स हैं. तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स जो यहां पर बात करें. तो कोलाइड प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट्स हो गया. सेकंड प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. ब्रैकेट में राइट करेंगे हम टिंडल इफेक्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ये भी ओमिक पार्ट है बट मीन्स ये काफी माइनर अटैच हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो ध्यान देना इस पॉइंट्स को. तो टिंडल इफेक्ट है क्या या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्जर्व की गई. बोलते क्या, इन 1869 साइंटिस्ट टिंडल, साइंटिस्ट टिंडल, इन 1869 साइंटिस्ट टिंडल पास अ विंग ऑफ लाइट. इन 1869 साइंटिस्ट टिंडल पास अ विंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइड्स प्लेस इन डार्क रूम. द पाथ कोलाइड्स, द पाथ ऑफ कोलाइड्स गेट इल्यूमिनेटेड, द पाथ ऑफ कोलाइड्स गेट इल्यूमिनेटेड. Such process is called Tyndall effect. Meaning क्या होता है student? क्या करना? Equilateral solution और इसमें हमने पास किया था, इसमें पास कर रहे हैं हम लाइट डार्क रूम में रखे. तो ऑब्जर्व क्या किया गया, जब लाइट पास कर रहे हैं तो पूरा पाथ, पूरा अपर सरफेस कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या है, इल्यूमिनेटेड हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. और ये रिफ्लेक्शन से ये कोन लाइन का स्ट्रक्चर बनाता है जिससे टिंडल कोन बनते हैं, ध्यान देना. बट जब यही लाइट पास की गई तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. जब यही लाइट पास की गई डाकू में डाक का ट्रू सॉल्यूशन को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ. और वहां पर जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल थे उन दिखाई नहीं पड़े. तो यहां से एक पॉइंट यह आता है, टिंडल इफेक्ट डज नॉट शोज इन ट्रू सॉल्यूशन. बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड is very small.
that does not scatter the light. That does not scatter the light. तो यहां पर पॉइंट्स क्या है? अब यहां पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इंटर इफेक्ट हो गया, मैंने देखा हमने, और यहां पर इस पॉइंट को देखा, और मीनिंग यहां पर ये है. तो टिंगल इफेक्ट कोलाइडर पार्टिकल में देखते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज टू सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से थोड़ा बड़ा है. जब उनमें लाइट मिलता है तो उनको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो पार्टिकल दिखाई देते हैं. अब हम बहुत सारे ऐसे इफेक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे टिंगल इफेक्ट में, राइट? तो मीनिंग एग्जाम्पल की बात करेंगे, व्हीकल्स लाइट एट नाइट मीन्स सफेद नहीं लिखेंगे. व्हीकल्स लाइट को नाइट में जो हम बाइक चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो आप देखो लाइट जहां पर गिरती है स्टूडेंट, वहां पर डस्ट पार्टिकल दिखते हैं. वो भी तो कोलाइड्स है, डस्ट मतलब सॉइडिन गैस एरोसॉल, तो वो ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देते, लाइट पास करते तो छोटे छोटे घूमते हुए दिखाई देते हैं. व्हाट इज दैट इज कॉल्ड टिंगल इफेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन लाइट पास बाय स्लिट इन रूम एट मॉर्निंग टाइम में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सनलाइट रेडिएशन जैसे होता है, सनराइज होता है स्लिट से कहीं विंडो के जाते हैं तो देखो वहां पर पार्टिकल घूमते हुए नजर आते हैं. दैट इज द टिंगल इफेक्ट. क्लियर? क्या होता है? टिंगल इफेक्ट है. ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर हम देखेंगे जो होंगे. तो मीनिंग यहां पर क्या है टिंगल इफेक्ट, वो हर जगह पॉइंट्स है. राइट में हवा देखते हैं, अदर देखते हैं, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, ये इफेक्ट टू सेशन में दिखाई नहीं देता. कोलाइडर पार्टिकल जो है ये इफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, जिससे आसानी से लाइट को स्कैटर करते हैं और पूरा पार्ट दिखाई देता है. तो टिंगल इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? आपको जब एक सर्टेन बीम ऑफ लाइट को हम कोलाइड्स में पास करते हैं तो देन जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड्स से वो इलिमिनेट हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं क्लीन एंड नीट. इसी को वर्ड देते हैं टिंगल इफेक्ट. इसी को वर्ड देते हैं क्या? टिंगल इफेक्ट. टिंगल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में ऑब्जर्व नहीं किया गया है. रीजन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है जो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता. ये एग्जाम्पल हम लाइट में भी देखेंगे. जैसे व्हीकल्स, आपको एक चीज और बता दें, हमारा एस्फाल्ट एक कोलाइड्स जिससे हम रूम बनाते हैं, कंक्रीट निकलता है. नाइट में हमारी व्हीकल्स जब लाइट रोड पर पड़ती है तो पूरा रोड क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि वो एस्फाल्ट के पार्टिकल पूरे लाइट के पार्टिकल को क्या करते हैं, स्कैटर देते हैं. तो वहां भी हमारा टिंगल इफेक्ट अप्लाई करते हैं, वहां भी आपको क्लियर होता है. सो स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं मैं कि टिंगल इफेक्ट एक ऐसी फिनोमेना है जो कहीं कहीं हमारे अराउंड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप रूम में बेडशीट को ऑब्जर्व करिए तो भी वो डस्ट पार्टिकल दिखाई देते, ऐसे पड़े दिखाई नहीं देते. टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट के इफेक्ट से कोलाइडर के पार्टिकल का दिखना ही टिंडल इफेक्ट. क्लियर? तो बात करेंगे अगली प्रॉपर्टीज की, बट उससे बिफोर पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं वापस से. इस पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ाया, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ाया, मतलब पार्ट 4, 5, 6 को मिला है. तो 5, 6, 7 में कोलाइड्स की बात चल रही है हमारी. तो पार्ट 7 में हमने पहले क्लासिफिकेशन दिया, प्रिपरेशन दिया, राइट? प्रिपरेशन दिया आपको, प्रिपरेशन बताया गया. तो वन सेकेंड रिमाइंड करा दूंगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स हमने पढ़ा, जहाँ पर दो कंडेंसेशन डिस्पर्शन रिलेटेड है. देन आफ्टर हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज की बात करें आप स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टीज में अभी तक हमने तीन मेथड पढ़े हैं, तीन प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. एक हेटरोजीनियस फेज, दूसरा कॉन्वेक्टिव प्रॉपर्टीज. हेटरोजीनियस फेज हो गया, कॉन्वेक्टिव प्रॉपर्टीज हो गई, एंड देन आफ्टर एंड
tinted effect, optical properties. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ओके? सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके अभाव हमने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है और पॉइंट बताएंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4, ब्राउनियन मोशन, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैं यहां समझा रहा हूं उसमें ब्राउनियन मोशन या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कोलाइडर पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम मोशन दिखाते हैं, जिगजैग मोशन दिखाते हैं, और इस मोशन में क्या आता है कोलाइडर गैस। चलो मैं केटीजी जाता हूँ, कनेडियन थ्योरी ऑफ गैसेस मानती हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर गैस को क्लोज बेस में रखते हैं तो हम ऑब्जर्व करें एक्सेल डिफ्रैक्शन मेथड से, तो गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन दिखाते हैं। इस मोशन में पार्टिकल कभी इनर वॉल से टकराते हैं, कभी खुद के पार्टिकल से टकराते हैं, और अपने डायरेक्शन बार बार चेंज करते रहते हैं, जिससे रबर ब्राउनियन मोशन दे दिया। मैं आपको बहुत सिंपल से आप देखेंगे टेक्सटबुक पढ़ेंगे रीड करेंगे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने भी ऑब्जर्व किया कि कोलाइडर पार्टिकल में भी सिमिलर मोशन दिखते हैं, ये भी रैंडम मोशन दिखाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने कोलिन ग्रेन को वाटर में प्लेस करके उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जब कोलिन ग्रेन को हम इसकी वाटर में प्लेस करते थे दैट टाइम वो रैंडम मोशन दिखाते, कभी पलट जाते, बैकवर्ड आते, लेफ्ट राइट नॉर्मल डायरेक्शन, धीरे धीरे फिर यही मोशन को उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था ब्राउनियन मोशन। साइंटिस्ट जिबांडे ने भी कोलाइडर पार्टिकल को देखा एक्वा सॉल्यूशन में और देखा कि वहां पर भी उनके रैंडम मोशन दिखाते, जिसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, जिबांडे मोशन बोलते हैं। ये मोशन कोलाइडर पार्टिकल की अफेक्टेड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि कोलाइडर पार्टिकल सिंगल चार्ज कर रखते हैं, या तो टोटल ओवरऑल पॉजिटिव होते हैं या तो टोटल नेगेटिव होते हैं। तो ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो इन वन डायरेक्शन जाकर कोलाइडर पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, राइट? तो ये पॉइंट्स है अबाउट द ब्राउनियन मोशन। सो स्टूडेंट आज पार्ट 7 में बस इतना ही, पार्ट 8 में रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आता रहे। थैंक यू।